नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 48। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आर्टिकल 48 में दो प्रोविजंस दे रखे हैं, एक एक करके हम दोनों प्रोविजंस को समझेंगे। पहला प्रोविजन दोस्तों लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है एंड दूसरा वाला गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले में दोस्तों लिख रखा है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, यानी जो हमारी सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनकी क्या जिम्मेदारी है कि एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना है एंड दूसरा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करना है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का ध्यान रखना है एक तरह से। एंड आज के हिसाब से यानी कि मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस के हिसाब से दोस्तों इनको ये काम करना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है खेती बाड़ी एक तरह से। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट इसको कैसे प्रमोट करती है, काफ़ी सारी सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोवाइड करती है। आपको ये बातें पता है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ ना कुछ स्कीम्स लेकर आती रहती है। उसके बाद दोस्तों क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, पशुपालन, गाय हो गई, भैंस हो गए, ऐसे जितने भी हैं जानवर जो भी होते हैं जिनसे कि एग्रीकल्चर में मदद मिलती है, यानी जो किसान भाई लोग हमारे काम करते हैं खेत में, उनको कुछ ऐसे जानवर से मदद मिलती है कि उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैल के थ्रू दोस्तों वो खेत में हल चलाते हैं, ऐसे ही वो अपना साइड बिजनेस भी चला सकते हैं कि गाय या भैंस पाल ली, फिर उसका दूध बेच सकते हैं, दूध से दोस्तों पनीर बना के बेच सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 48 कहता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एग्रीकल्चर का ध्यान रखना है एंड एनिमल हस्बेंड्री का ध्यान रखना है। एंड दोस्तों ये लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तीन कैटेगरी है, लिबरल, गांधीयन एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। मैंने अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको ये समझा रखा है। फिर दोस्तों इसमें दूसरा प्रोविजन क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। प्रोहिबिट का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट को कुछ चीजों पे रोक लगाना है। अब कौन सी चीजों पे रोक लगाना है, स्लॉटर ऑफ काउस। स्लॉटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरह से किसी जानवर को मारना, किस लिए मारना, खाने के लिए, फॉर फूड, यानी कि गाय को मार के खाने के लिए। तो ऐसे काम को रोकने के लिए बोल रहा है आर्टिकल 48। तो दोस्तों आर्टिकल 48 में और क्या लिखा है, काव्स को भी मारने से रोकना है एक तरह से। काव्स का मतलब क्या हुआ, जो बछड़े होते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे। फिर दोस्तों और किसको प्रोहिबिट करना है कि मतलब किसको ना मारा जाए, मिल्च एनिमल्स, अदर मिल्च एनिमल्स, ठीक है। मिल्च का मतलब क्या हुआ कि जो दूध देते हैं, गाय भैंस दूध देती है आपको पता है, तो उनको भी नहीं मारना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा क्यों बोल रहा है आर्टिकल, इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है, इनसे क्या हो रहा है, अगर गाय को मार देंगे तो दूध वगैरह नहीं मिलेगा। फिर ये दोस्तों जो बछड़े होते हैं, बछड़े की वजह से इनकी मम्मी दूध देती हैं, वरना अगर बछड़े ना हो तो दूध भी ना मिले। तो इसलिए इन चीज़ों को रोकना है, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है स्टेट को कि लोग गाय पालेंगे, गाय पालेंगे तो दूध बेचेंगे, दूध बेचेंगे तो वो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा स्टेट में ही कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, यानी कि हमारी स्टेट की इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए आर्टिकल 48 उन एनिमल्स को मारने से रोक रहा है जिससे कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल ऐसे बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रॉट एनिमल को भी एक तरह से मारने से रोक रहा है। ड्रॉट का मतलब क्या हुआ, जो एक तरह से जो ऐसे एनिमल्स जो कि एग्रीकल्चर में मदद करते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों फिर मारने से रोकना भी है, मतलब इनका स्लॉटर भी रोकना है, इसके अलावा इनकी जो ब्रीड्स हैं इसको भी इम्प्रूव करना है। ब्रीड्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मेटिंग करवानी है, मतलब ऐसे स्टाइल से मेटिंग करवानी है कि इनकी वैरायटी इम्प्रूव हो सके, कि जो काऊ है ये ज़्यादा दूध देने लग जाए एक तरह से। मतलब आप समझ रहे हैं कि ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, अच्छे मतलब मेटिंग अच्छे से कराना है ताकि इनकी जो वैरायटी है ये इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 48। बट इस आर्टिकल में एक इशू है दोस्तों, ये जो शब्द है ना यहाँ पे स्लॉटर ऑफ काउस, इससे रिलेटेड एक केस है बहुत फेमस, तो अब हम उस केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको समझा देता हूँ। पहला क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रोहिबिट करना है कि कोई ऐसे जानवरों को ना मारे जिससे कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, यानी जिससे कि हमारी कमाई हो रही है, ऐसे जानवरों को नहीं मारना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको एक केस पढ़ाया था
ओल्गा टेलिस केस, उस केस में राइट टू लाइवलीहुड को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू लाइवलीहुड का दोस्तों मतलब क्या हुआ? लाइवलीहुड का मतलब यही हुआ कि एक तरह से लोग इतना कमा सके कि रात को दो वक्त का खाना, मतलब रात को एंड सुबह शाम, मतलब अपना खाना टाइम टू टाइम खा सके, ठीक है, लाइवलीहुड। तो जो लाइवलीहुड है ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस केस में बोला था कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, यानी कि लोगों को काम करने से कोई रोक नहीं सकता। कैसा काम? कि जिससे कि वो अपना पेट पाल रहे हैं, अपना खाने का इंतजाम कर रहे हैं, ऐसे काम को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। बट आर्टिकल 48 में क्या हुआ, स्लॉटर ऑफ काउस को रोका जा रहा है। अब आपको पता है दोस्तों कि कुछ लोग इसी से अपना धंधा चलाते हैं कि गाय को मार के वो अपना बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ एक दिन कि बिहार गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया। वो एक्ट क्यों पास किया दोस्तों? क्योंकि आर्टिकल 48 ऐसा करने को कह रहा है। तो आर्टिकल 48 के तहत इन्होंने एक्ट पास किया, बिहार प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट। यानी कि इन्होंने क्या बोल दिया कि अब से प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की रक्षा करी जाएगी, जानवरों की रक्षा करी जाएगी। एंड उसमें क्या बोल दिया, टोटल बैन लगा दिया दोस्तों। टोटल का मतलब कि अब से कोई भी किसी जानवर को मार के खा नहीं सकता, मतलब वो जो काओ, स्लॉटर ऑफ काउस पे बैन लगाया था दोस्तों। जो भी मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स हैं, जो मैंने अभी आपको कैटेगरी दिखाई दी ना, उस पर इस एक्ट ने बैन लगा दिया। तो दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है हनीफ कुरेशी, बोलते हैं कि ये तो बहुत गलत किया बिहार सरकार ने। गलत क्यों किया? हनीफ कुरेशी बोलते हैं कि स्लॉटर ऑफ काउस, यानी कि मैं गाय को मार के अपना बिजनेस चलाता हूं, ताकि मतलब कुछ लोग ऐसा दोस्तों गाय के उसको प्रेफर करते हैं खाना, तो इसी की वजह से इनका धंधा चलता है, स्लॉटर ऑफ काउस की वजह से, ठीक है। बट इस एक्ट ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। एंड अगर इस एक्ट ने इनके बिजनेस पे इफेक्ट डाला है, यानी कि इनकी रोजी रोटी पे फर्क डाला है, तो किस पे फर्क डाला है दोस्तों, लाइवलीहुड पे फर्क डाला है। तो ये कहते हैं कि इस एक्ट ने मेरा लाइवलीहुड छीन लिया। लाइवलीहुड छीनने का मतलब मेरे आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर दिया। एंड आपको पता है आर्टिकल 21 का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो जो ये हनीफ कुरेशी हैं, ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं एंड फिर ये बोलते हैं कि जज साहब, आपने बोला था ओल्गा टेलिस केस में कि लाइवलीहुड हमारा, मतलब राइट टू लाइवलीहुड हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट सुनाता है दोस्तों इसमें? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपको बैन लगाना है तो आप लगाइए। इन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि आप बैन क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा था गाय से, उनके बछड़ों से, फिर दोस्तों जो भी बाकी एनिमल्स हैं वो मदद कर रहे थे खेती में। तो इन्होंने यही जवाब दिया कि हमें उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ठीक है, जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है आप सिर्फ उसके ऊपर ही बैन लगाइए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गाय दूध दे सकती है आप उस पर बैन लगाइए कि कोई उसको ना मार सके, ठीक है, यानी कोई इसका स्लॉटर ना कर सके। दूध कौन देता है दोस्तों? फीमेल काओ, यानी शी काओ। तो शी काओ का मतलब जो फीमेल है वही दूध देती है, यानी मेल तो यहां से बाहर हो गया। तो यानी कि, और दूसरा इन्होंने क्या बोला इसमें, पहला बोला शी काओ बोला, एंड दोस्तों उसके बाद दूसरा पॉइंट था इसमें, यस, मिल्क वैरायटीज वाली, वही जो मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो पहला है शी का और दूसरा है मिल्क वैरायटीज वाली, कि जो दूध दे रहे हैं उनको आप नहीं मार सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। प्लस ये भी बोला कि जो इसके अलावा वेस्ट हैं, यानी कि जो मेल काओ है जिनसे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को बोला कि उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट अगर नहीं हो रहा तो उसको इस कैटेगरी से हटाइए एंड उसका स्लॉटर फिर ये लोग कर सकते हैं, यानी कि उसको मार के बेच सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बोल दिया। तो ये तो हो गई टेंशन की बात, क्योंकि इनका जो एक्ट था ये एक तरह से आधा खराब हो गया है। जो आधे बेनिफिट्स, मतलब जो इन्होंने बोला उसका आधा ही वर्जन फॉलो किया जा रहा है, कि कुछ आधे को छोड़ रहे हैं एंड आधे को मार दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये बात चल रही थी फिर, ठीक है, कुछ साल ऐसी चलती रही। हनीफ कुरेशी खुश हो गया कि भाई चलो सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दे दी है, अब हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या होता है, कुछ साल बाद
एक बॉम्बे गवर्नमेंट फिर से लेकर आ जाती है दोस्तों एक कानून, बॉम्बे प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है, बॉम्बे प्रिजर्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ दोस्तों, प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट बॉम्बे लेकर आई। इस एक्ट में क्या हुआ, फिर से वही सेम बात, इन्होंने बोल दिया हम लगाएंगे टोटल बैन लगाया, तो फिर से एक कुरेशी फिर से सामने आ गए, उनका नाम है मिर्जा कुरेशी। दोस्तों ये कुरेशी बार बार क्यों आ रहे हैं आपको पता है, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो कुरेशी होते हैं ना, इनका एक तरह से आप कह सकते हैं मेन बिजनेस होता है, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते मेन मतलब, बट ये है कि ये लोग फेमस हैं किसी चीज़ के लिए, वो क्या है, स्लॉटर ऑफ काउस, कि वो लोग गाय को मारकर एक तरह से अपना बिजनेस चलाते हैं, तो इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं की कैटेगरी से कोई जाता है। तो क्या हुआ, फिर से जब बैन लगाया गया टोटल बैन, तो ये साहब पहुंच गए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, एंड फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, फिर से गवर्नमेंट से पूछा आप क्यों बैन लगा रहे हैं, तो इन्होंने बोला इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस केस में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले तो आप शी काओ को नहीं मार सकते, क्यों, क्योंकि वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड कर रही है, वो दूध दे रही है, ठीक है, यानी कि मिल्क वेराइटीज के एनिमल्स को आप नहीं मार सकते। अब बची दोस्तों ही काओ की बात, यानी कि जो मेल कैटेगरीज वाले हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इकोनॉमिक बेनिफिट हमें इनसे भी मिलता है, वो कैसे, काओ डंग, यानी कि गाय का जो दोस्तों गोबर होता है आपको पता है, वो भी आजकल मार्केट में बिकता है, फर्टिलाइजर बनता है इससे, ये चीज आपको पता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी इस कैटेगरी में अब डाल दिया। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मेल है या फीमेल है उससे मतलब नहीं, बट जो काओ का यूरिन होता है ना, वो भी आजकल मेडिसिन में यूज किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन इससे बनाई जाती है, इसका मतलब कि अब से ये सभी की सभी क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आप किसी को मार नहीं सकते अगर गवर्नमेंट ऐसा बैन लगा देती है। ये दोस्तों गवर्नमेंट की मर्जी होती है, आर्टिकल 48 में लिखा है कि गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है, अभी गवर्नमेंट की मर्जी है कि उसको प्रोहिबिट करना है या नहीं करना है, तो बॉम्बे एंड बिहार ने कर दिया था, बट अभी सारे स्टेट्स ने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों इसलिए इस आर्टिकल के हिसाब से अब अगर कोई स्टेट चाहती है टोटल बैन लगाना, तो बैन लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जा कुरेशी केस में ये बात बोली थी। अब दोस्तों क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ जी फेमस हो गए, क्योंकि जब वो उनकी सरकार आई तो उन्होंने भी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी मुद्दा उठा था उनके सरकार बनने पे। तो दोस्तों उन्होंने टोटल बैन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इलीगल वालों को बैन किया है, इलीगल तरीके से भी काफ़ी काम किया जा रहा था इससे रिलेटेड, मतलब स्लॉटर ऑफ काउ से रिलेटेड, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलीगल स्लॉटर ऑफ काउस को प्रोहिबिट किया था, बाकी जो लीगली कर रहे थे उनको उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल 48 अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।